गुड आफ्टरनून। आज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की क्लास में हम सोलेनोइड के एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम टोरॉइड होता है। ठीक है, क्या होता है टोरॉइड? टोरॉइड इज एंडलेस सोलेनोइड। टोरॉइड एक ऐसा सोलेनोइड होता है जिसका कोई एंड नहीं होता। कहने की बातें हैं, ऐसा कोई होता नहीं है। ठीक है, होगा क्या? आपने सोलेनोइड देखा होगा, ऐसी फॉर्म में होता है। इसको मोड़ के गोल आकार दे दिया, सर्कुलर फॉर्म में ले आए। ठीक है, हालांकि परफेक्टली सर्कुलर तो होता नहीं है रियलिटी में। टोरॉइड हेलिकल फॉर्म में होता है, पर उसे बोल देते हैं, क्या जाता है बच्चों को उल्लू बनाने में क्या जाता है ना। तो टोरॉइड एक एंडलेस सोलेनोइड है। बनता कैसे है? सोलेनोइड के दोनों एंड को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो वो हमारा क्या बन जाता है? टोरॉइड बन जाता है। आएगा वही, देखो शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोलेनोइड में भी म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई आया था, और यहाँ पे भी म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई आएगा। पर यहाँ पे कोई वाला केस नहीं होगा कि एंड में कितना होगा। यहाँ पे जितना बीच में होगा उतना ही एजेस में भी होगा, और हर कोनों में भी उतना ही होगा। तो टोरॉइड आपको पता चल गया, इट इज़ एंडलेस सोलेनोइड। ठीक है, बंदा कैसा है तो देख लो जी। बंदा कुछ ऐसा है, सर्कल बनाना है, ऐसा हेलिकल फॉर्म में सर्कल बनाना है, ऐसा ये मैंने बना लिया है ना। और आप लोगों की कंफर्टेबल, कि आप लोग कंफर्टेबल हो जाएं, उसके लिए हम क्या करते हैं, दो एंड दिखा देते हैं ऐसे। हालांकि कोई एंड तो होता नहीं है इनका, कहना है, पर दिखा देते हैं। ठीक है, और होगा क्या, मान लो यहाँ से करंट गई और नीचे को करंट आई, तो कैसे बिहेव करेगी? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? करंट हमारी हो जाएगी कैसी, यहाँ पे देखो, क्लॉकवाइज। और जब भी करंट क्लॉकवाइज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाती है? इनवर्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इनवर्ड को जाएगी, क्लियर? और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाती है? आउटवर्ड जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब वही सेंटर ओ मान लेते हैं और इस पोजीशन वेक्टर को आर मान लेते हैं। ठीक है, और यहीं पे हम एक पी पॉइंट मान लेते हैं, और यहीं पे छोटा सा एक करंट एलिमेंट काट देते हैं डी एल लेंथ का, और उसमें भी उतना ही करंट फ्लो कर रहा होगा जो पूरे उसमें कर रहा है। ठीक है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देखते हैं, वही आएगी म्यू नॉट इनटू एन आई। तो ध्यान से देखें, पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि स्मॉल एन होगा क्या। स्मॉल एम होता है, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब जरा आप एक बात समझो, अगर इस पी को मैं यहाँ बनाता तब भी तो आर ही रहता, यहाँ बनाता तब भी आर ही रहता, और यहाँ बनाता तब भी आर ही रहता। ऐसे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये फ़ायदा होता है। तो होगा क्या, सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्मॉल एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स हम मान लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जिसको हम कैपिटल एन बोल लेंगे, और अपॉन टोटल लेंथ। पर कोई भी सर्कुलर फॉर्म में टोटल लेंथ तो सर्कमफेरेंस होता है। आप ये लेंथ काटते जाओगे तो आप क्या कवर कर रहे हो, फाइनली सर्कमफेरेंस। ठीक है, इन लेंथ को काट के जोड़ोगे, बाद में इंटीग्रल करोगे, तो आपको क्या मिलेगी, पूरी सर्कमफेरल लेंथ मिलेगी। तो ये एल कुछ और नहीं है, ये एल आपका क्या है, सर्कमफेरेंस है। ठीक है, और इसे एक लंबे तरीके से भी मैं करा सकता हूँ कि तीन लूप्स मानूँ, है ना, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे, एक में करंट जा ही नहीं रही है, बस एक ही बचेगा, तो उससे बढ़िया है मार्क्स उतने ही मिलेंगे, एल ही देख लो। ठीक है, बाकी हम सारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेंगे न्यूमेरिकल में। तो नंबर ऑफ टर्म्स को एन लिखा, और सर्कमफेरेंस या लेंथ हमारी हो जाएगी 2πr, वेयर आर इज़ द पोजिशन वैक्टर। तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आई, स्मॉल नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ इंटू 2πr। बस अगर आपको इतना समझ में आ गया, इसे फर्स्ट इक्वेशन मानो, और अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ लगाते हैं। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, बाइट सेबट लॉ अनसिमेट्रिकल में भी लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसका डिफरेंस अच्छे से पढ़ेंगे। तो यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ हम यहाँ लगा के देखते हैं। ठीक है, और देखते हैं हमें क्या मिलता है एम्पियर सर्किटल लॉ को लगा के। तो सिंपल सी बातें देखें, एम्पियर सर्किटल लॉ अगर हम लगाएंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। सर आपने मैग्नेटिक फील्ड तो दिखा ही नहीं, तो अगर लेंथ का वेक्टर ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की साइड ही जाएगी, ऐसे ऐसे अंदर की साइड जाना चाह रही होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका ऐसे ही रहेगा, जिसकी वजह से आपका थीटा एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो अगर इसे खोलें तो बी डी एल, अब वैक्टर नहीं लगेंगे, कॉस 0, डॉट में कॉस आता है,
और यहाँ पे म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। टोटल करंट आपको कल भी पता है, करंट थ्रू ईच टर्न इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। हर टर्न में करंट कितनी आई है, तो करंट थ्रू ईच टर्न इंटू टोटल टर्न्स, पूरी टर्न्स कितनी हैं यहाँ और करंट एक टर्न में कितनी है, तो उससे हमें टोटल करंट मिलेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर हम इसे बढ़ाएं कॉस 0 1 हो जाएगा, बी तो यूनिफॉर्म होगी बाहर आएगी, अंदर बचेगा डीएल और कॉस 0 आपका 1 हो गया। म्यू नॉट इनटू करंट एक टर्न में कितनी है, आई है, ये कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपकी कैपिटल एन है, ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसे थोड़ा सा आगे और ले जाएं तो डीएल का इंटीग्रेशन करोगे, मतलब इतना काटा इतना काटा इतना काटा 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 हर जगह काट दिया, तो आपको क्या मिला, आपको सरकमफेरेंस मिली, और सरकमफेरेंस होती कितनी है, 2πr, मतलब ये इंटीग्रल डीएल कुछ और नहीं बनेगा, जैसे पहले डेरिवेशन में 2πr बना, तो अब भी कितना बनेगा, 2πr बनेगा। आगे बढ़ेंगे, मी नॉट लिखा, आई लिखा, कैपिटल एन आपको फर्स्ट इक्वेशन से कितना मिल गया, एन इंटू 2πr, क्लियर है इतना, कहाँ से आया, फर्स्ट से आया, दो से दो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, बी की वैल्यू आपको भी दिख रही है, म्यू नॉट एन और आई, तो बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, म्यू नॉट एन आई आ गई, टोराइड के लिए भी इतनी थी, सोलेनाइड के लिए भी इतनी थी, ठीक है। तो आपको बहुत तरह की आपको मैग्नेटिक फील्ड्स पता चल गई है ना। अब थ्योरी यहीं पे ख़त्म होती है पहले चैप्टर की, ठीक है, कुल मिला के 3 ही चैप्टर हैं, तो पहले चैप्टर की थ्योरी ख़त्म होती है, और थोड़े न्यूमेरिकल्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम थ्योरी में करा नहीं पाए वो करते हैं, ठीक है। चलो तो देखिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका देख लेते हैं आपको कितना एक्सप्रेशन पता है मैग्नेटिज्म के, अलग अलग केसेस के लिए बहुत से एक्सप्रेशन लिखे थे हमने, जैसे म्यू नॉट एन आई, ठीक है, म्यू नॉट आई अपन 2R, म्यू नॉट अपन 4π, ये सारे हम एक्सप्रेशन आप लोगों के चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले आपने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर एंटर करेगा तो उस पर क्या लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है, और वो मैग्नेटिक फोर्स तभी लगेगा जब चार्ज पार्टिकल क्या करे, मूव करे, ठीक है। उस मैग्नेटिक फोर्स का नाम क्या है, उस मैग्नेटिक फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, ठीक है, वो आगे भी आना था, यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फोर्स लगता है किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, अगर वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे तो उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंस, लॉरेंस भी बोल सकते हो आप, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स ये होता है, और इसकी वैल्यू होती है क्यू देन वी एन बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। और मैंने आपको ये तसल्ली से बताया था कि यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो एक ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जो प्लेन वी और बी को क्या कर रहा है, कंटेन करके रख रहा है। इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्यू वी भी साइन थीटा आ जाता है, ये सब आपको पता है, क्रॉस हटेगा तो साइन आएगा। तो इस पे बेस हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए आप पे क्या है कि एन बहुत तेज़ी से कराते हो फिर आप क्वेश्चन बहुत जल्दी, यूनिट ख़त्म नहीं होने देते, थ्योरी ख़त्म नहीं होने देते, पहले आपके न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो फिजिक्स का एप्लीकेशन ही यही है, जब तक आप न्यूमेरिकल की सोल नहीं पकड़ोगे तब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास, मास दिया है भाई इन्होंने, आप लोग फॉर्चुनेट हो, मास है 6.65 इंटू 10^-27 kg is traveling at right angles, to a magnetic field with a speed of 6×10^5 मीटर पर सेकेंड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.2 टेस्ला। कैलकुलेट फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल, ऑब्वियसली वो मूव करेगा अल्फा पार्टिकल तो उस पर फोर्स लगेगा, यही प्रिंसिपल है। तो कैलकुलेट फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल एंड इट्स एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेटेड मोशन भी होगा यहाँ पे, तो देख लेंगे।
सबसे पहले फैराडे ने बताया था मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट, पर मैक्सवेल ने उसमें बहुत योगदान दिया, मैक्सवेल ने उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करा। आगे जाके मैक्सवेल ने अपनी एक सबसे यूनिफिकेशन थ्योरी दी थी, जैसे स्टीफन हॉकिंग का हम वेट कर रहे थे कि वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग देंगे, पर वो तो दे नहीं पाए, पर मैक्सवेल ने एक अपनी यूनिफिकेशन थ्योरी दे दी। उन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक ही सिक्के के हेड और टेल हैं, ये दोनों जब कंबाइन होते तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे लाइट है वो बनती है। तो मैक्सवेल ने बहुत सारी अपनी यूनिफिकेशन थ्योरीज दी और अपनी कुछ इक्वेशन भी दी तीन चार, तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। पहले ये देख लो क्वेश्चन क्या है। आपको बोल रखा अल्फा पार्टिकल है, मास उसका इतना है, राइट एंगल में वो मूव कर रहा है, किसके, किसी मैग्नेटिक फील्ड के एक्सटर्नल के, और इतनी स्पीड से कर रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी है। आपको फोर्स निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। फोर्स तो हम निकाल लेंगे, देखिए फोर्स होगा क्यू वी बी साइन थीटा। वट इज़ थीटा? थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना है यहाँ, 90 डिग्री है, तो साइन 90, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ कितना बचा, क्यू वी और बी बचा। क्लियर है इतनी बातें? फोर्स हो गया क्यू वी बी। और अल्फ़ा पार्टिकल का अगर आपको चार्ज पता है तो वो 2 टाइम्स होता है प्रोटॉन के चार्ज के या इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, वैसे तो प्रोटॉन ही बोलना चाहिए। तो अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज 2 गुना होता है और मास 4 गुना होता है। मास आपको दे रखा, चार्ज आपको पता होना चाहिए। तो 2 टाइम्स ऑफ चार्ज जो है अल्फ़ा का, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन हो जाएगा। प्रोटॉन में चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹¹। वेलोसिटी आपको दे ही रखी है कितनी, 6 × 10⁵। और मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है 0.2 टेस्ला। ये जो आपका फोर्स आएगा वो न्यूटन में आएगा। आपको देखना है बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है, खुद देखो, पावर बहुत नेगेटिव है तो बहुत छोटा फोर्स है। आप बोलोगे बहुत छोटा फोर्स है, पर वो आप अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हो कि इस फोर्स से मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा, पर अल्फा पार्टिकल आपसे बहुत करोड़ों गुना छोटा है, तो उसके लिए तो ये बहुत जाइगंटस या गाइगंटस फोर्स है। तो अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके वैल्यू आएगी 3.84 × 10⁻¹⁴ N। आई कैन रिपीट, 3.84 × 10⁻¹⁴ N। यहाँ पे फोर्स आ गया। अब आपका दूसरा काम क्या है, आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो बच्चे अगर हम यहाँ पे भी न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएं तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी फोर्स बाई मास। फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। नाउ फोर्स इज 3.84 × 10⁻¹⁴। सर हम बहुत चला के, हम इसे सॉल्व भी नहीं करेंगे, सीधा मास से मास कैंसिल हो जाएगा, कर लो। और मास देखो कितना है, मास है 6.65 × 10⁻²⁷। यूजुअल यूनिट्स में निकालना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर बताइए। पॉज करके आंसर निकालिए, हाथों से निकालो, कैल्सी से निकालो, आपका आंसर आएगा 5.77 × 10⁻¹२। ये आएगा, ठीक है, 5.77 × 10⁻¹². देखो न्यूटन के सेकंड लॉ के लिमिटेशंस जाने करो। यहाँ देखो फोर्स कम था तो आपका एक्सेलरेशन भी कम आना था। फोर्स कम था, डायरेक्ट है ना, दोनों का एक्सेलरेशन कम आना था, पर एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है। देखो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, मास कम है, तो मास पे भी डिपेंड करता है ना, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया। ये एक तरह का कॉन्स्टेंट थोड़ी है, यूनिवर्सल। हाँ ये अलग बात है, ये अल्फा पार्टिकल के लिए कॉन्स्टेंट होगा, पर हर पार्टिकल के लिए थोड़ी मास इतना होगा, ठीक है। तो वैल्यू बहुत एक्सेप्शनली लार्ज आ गई एक्सेलरेशन की, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेशन आपके ऊपर है यार, कैलकुलेशन आप खुद करा करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपसे बोला, आपको अगर वो याद है तो बहुत बढ़िया, हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर निकाली थी। एक बार हमने बाइट सेवट लॉ से निकाली थी और एक बार हमने एम्पियर सर्किटल लॉ से निकाली थी। एम्पियर सर्किटल लॉ से तो डायरेक्ट आ गई थी μ0I/2R, पर बाइट सेवट लॉ एक लंबा सा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन देता था जो कि होता था μ0/4π2I/A, यहाँ पे sin(φ1) + sin(φ2) ये होता था, आपने यह सिर्फ I/A होता था। बताओ जल्दी बताओ, μ0/4π2I/A होता था या सिर्फ I/A होता था? तो शाबाश बच्चे, I/A होता था। अब अगर इतना आ गया तो अगर इन दोनों को 90 ले लें तो
तो साइन 90 वन होता है और ये वाला साइन 90 भी वन हुआ, वन प्लस वन कितना बना, टू बना, ठीक है। तो वहाँ से भी यही आया था एम्पियर सर्किट लॉ से, और बैड सेबट लॉ से भी यही आया, म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 I बाई ए। तो आपको याद रखना है ये, है ना, ये किसके लिए, फॉर इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर या वायर। सिलेंडर के लिए अलग था बेटा, सिलेंडर के लिए इंटरनल डिवीजन अलग था, एक्सटर्नल अलग था। अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल करंट डिस्ट्रीब्यूशन है तो अलग आया था, वहाँ पे हमने I डैश बाई I लिखा था ना, पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो वैसा था, ये अलग है। इस पर भी ऐसे क्वेश्चन देखें, अगर आपको ये याद आ गया तो है, एन इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज करंट ऑफ 100 एम्पियर, बहुत ज़्यादा करंट है, कंडक्टर भी तो इन्फाइनाइट है। ये सारी थ्योरेटिकल से बातें हैं, है ना, आप बायोट सेवट लॉ एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसमें हम करंट एलिमेंट लेते हैं छोटा सा, वो करंट एलिमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर एम्पियर सर्किट लॉ हम प्रैक्टिकली ले सकते हैं, ठीक है। करंट ऑफ 100 एम्पियर एट वट डिस्टेंस, एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड कॉज बाय द करंट इक्वल टू 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला, यह है आप पे, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन में सबसे मेन चीज़ ये पकड़नी थी कि इन्फिनेटली लॉन्ग है, अगर आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पहुँचना है, क्या एक्सप्रेशन लगाना है, तो क्या करोगे, झक मारोगे, ठीक है। तो इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर बहुत ज़रूरी था, तो एक इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, उसने 100 एम्पियर का करंट कैरी करा है, तो कितने डिस्टेंस में इस कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इतनी होगी। मैग्नेटिक फील्ड आपको पहले से दिया है, डिस्टेंस निकालना है, फार्मूला आपके सामने है, लगाओ, ठीक है, फार्मूला आपके सामने है, लगाओ। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमें स्टैंडर्ड यूनिट में दे दिया कितना, 0.5 × 10⁻⁴। अच्छा, ये म्यू नॉट अपन 4 पाई की अगर वैल्यू याद हो तो अच्छा है, 10⁻⁷ एम्पियर पर मीटर -2 होती है, ठीक है। बी की वैल्यू ये हो गई, म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू ये है, आई की वैल्यू आपको दे रखी है 100 एम्पियर स्टैंडर्ड यूनिट में है, दो दो ही रहेगा, ए आपको निकालना है। तो ए कैसे निकालेंगे, देखो स्टैंडर्ड वैल्यूज पता हैं तो आंसर बहुत जल्दी निकलते हैं, तो ए ऊपर गया और ये पूरी चीज़ नीचे आई, तो देखिए ये बना आपका 2 × 100 × 10⁻⁷ अपॉन में कितना, 0.5 × 10⁻⁴। हाथों से कर लो इसे आराम से, ये दो है, -7 और ये 2 पावर है, कितनी बनेगी, -5 बनेगी, और नीचे देखो कितना है, 5 है, और ये कितना है, 10⁻⁵, ये पावर इसे भेजेगा, तो ये अब बड़ा बन गया, देखो 0.5 छोटा होता है, 5 बड़ा होता है, पावर उधर भेजो, कैंसिल हो गए, 2/5 0.4 होता है, 0.4 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, 5×4 जब 20 होता है ना, तो 20 नहीं है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, शाबाश, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नई चीज़ें। अच्छा, यहाँ करंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन क्या आती, तो करंट दे ही नहीं रखा था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो अभी आप तो ये लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे बायट सेवर्ट लॉ लगाया, उन्हें ही पता है, बायट सेवर्ट लॉ से का ही एप्लीकेशन है स्ट्रेट कंडक्टर वाला। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग DL वेक्टर क्रॉस पोजीशन वेक्टर, आप ये लिखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग DL क्रॉस R, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी इंक भर लूँ फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है कि इसी पे बेस है ना, देखो क्वेश्चन
find the expression for magnetic field induction at center of coil bent into the form of a square of side 2A carrying current I. ठीक है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, अभी डायग्राम दे रहा हूँ, सेंटर में निकालनी है, किसके लिए? किसी ऐसी कॉइल के लिए जिसे हमने स्क्वायर में बेंड कर दिया और अब उसकी साइड 2A है और करंट I है उसमें. ठीक है, तो देखिए ये आपको एक इनिशियल डायग्राम दिया है, इसका सेंटर O है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, साइड 2A है और करंट आपको दे रखा है ऐसा. तो आपको दिख रहा होगा ये करंट कैसा है, ये करंट आपका क्लॉकवाइज है. अगर करंट क्लॉकवाइज हो तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इनवर्ड या आउटवर्ड? सोचो, मैंने बोला था ना दोनों को रिवर्स यूज़ करे करो. अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होती है, करंट आज क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इनवर्ड होगी. ठीक है, कैसे निकालोगे इसको, निकालोगे कैसे? सबसे मेन बात तो ये है ना, इसको निकालना है आपको, कैसे निकालोगे? चलो कुछ हेल्प और करते हैं, ए बी सी डी दे दिया, देखो इतनी बड़ी हेल्प कर दी, अब निकालो, निकालो कैसे निकालोगे? उसी पे बेस है जो भी करा. एक काम करो, ये एक हम पे कंडक्टर है, स्ट्रेट है पर इनफिनाइट नहीं है, स्ट्रेट तो है पर इनफिनाइट नहीं है. तो इनफिनाइट नहीं है तो हम दोनों एंगल को 90 लेते हैं. ठीक है, दोनों एंगल को कितना लेंगे, 90 डिग्री लेंगे, क्योंकि अभी क्या है, अब फाइनाइट है. ठीक है, पहले कैसा था, इनफिनाइट था, तो साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू लेते थे, अब फाइनाइट है तो वही वाला ही बात है, म्यू नॉट अपन फोर पाई टू आई बाई ए लेना है. अब उसे कैसे लगाएंगे, देखो ये चारों आर्म्स एक जैसी हैं क्योंकि स्क्वायर है ना भाई, ये भी 2A होगा, ये भी 2A होगा, उधर भी 2A और इधर भी 2A, सारा 2A होगा, है ना? तो इसका कैसे यूज़ करें, एक को निकाल लो, चारों एक जैसे हैं, चारों को ऐड कर लो, चारों एक जैसे हैं ना, एक को निकालो, इसको निकाल लो, ये स्ट्रेट कंडक्टर हमारी ऑब्जर्वेशन की है. ठीक है, इसको निकाल लो, जितना इसका आएगा उतना ही इसका आएगा, उतना ही इसका आएगा और उतना ही इसका आएगा, बस एक को निकालने की ज़रूरत है, उसे हम चार बार ऐड कर लें. जैसे बी एट ए डी निकाल लें, ए बी, बी सी और सी डी उसी के जैसे होंगे, चारों को ऐड कर लो या चार से मल्टीप्लाई कर लो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि चारों एक जैसे हैं. वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन कितना होता है, फोर होता है, या वन इंटू फोर भी कितना होता है, फोर होता है. तो चाहे चारों को ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है. अब ज़रा ध्यान से देखो, ये हमारा ऑब्जर्वेबल है, हमारा मेन एम क्या है, बी एट सेंटर ओ कैसे निकलेगा भाई, वो फोर टाइम्स होगा किसके, बी एट आर्म ए डी, ए डी आर्म में जितना मैग्नेटिक फील्ड है उसके, क्योंकि सिंस सिंपल सी बात है, करंट सब में सेम है, इतनी बातें क्लियर है, करंट सब में क्या है, सेम है, और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी सेम होगी, और साइड भी कितनी है, 2A है. तो सिंस सारी चीज़ें सेम है, करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, एज इज सेम है ना, तो बी एट ए डी, बी एट ए बी, बी एट सी डी और बी एट बी सी, ये चारों सेम होंगे, इसलिए मैंने फोर टाइम्स लिख दिया. सर पहले इसे तो निकालो, ए डी कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखो, तुम्हें याद है ना एक कंडक्टर रहता था, भूले तो नहीं, कंडक्टर रहता था, यहाँ करंट एलिमेंट मानते थे, ये सेंटर होता था और दो एंगल ऐसे बनाए जाते थे जिसमें एक एंगल फाई वन होता था और एक एंगल कितना होता था, फाई टू होता था, यहाँ करंट आई कैरी रहता था. स्ट्रेट कंडक्टर का तो ऐसे ही रहता था भाई, ठीक है, यहाँ फाई वन और यहाँ फाई टू होता था. तो तुम्हें फाई वन फाई टू दिख तो रहे हैं, यहाँ सेंटर ओ पे निकालनी है, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, याद आया, यहीं पे कहीं एक करंट एलिमेंट काटते थे, उसकी डिस्टेंस आर होती थी, फिर सी एल को हम, सी ओ को हम एल ले लेते थे, वही बात है. तो ये और ये, इसमें से ये ऊपर वाला फाई वन हुआ और नीचे वाला कितना हुआ, फाई टू हुआ, ऊपर वाला फाई वन, नीचे वाला फाई टू हुआ, क्लियर है, शाबाश. फाई वन फाई टू है, तो यार मुझे तुम्हें बताना नहीं चाहिए, तुम्हें ही पता है
की डायगनल स्क्वायर के 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, और 90 को ये एंगल बाइसेक्टर में काट रहा तो ये 45 होगा, और ये वाला भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। प्रूफ कराऊं क्या मैथमेटिक्स में? यार खुद सोचो तुम, ये पूरा 90 है, ये काटेगा, इतना 45 होगा, इतना 45 होगा, ठीक है, और इसके बाद अगर ये 45 है तो ये तो 90 हो गए, और टोटल कितना होता है 180। तो अगर ये एंगल और ये एंगल 90 हो गए, टोटल 180 है, तो इस पूरे को कितना होना पड़ेगा 90 होना पड़ेगा, और 90 को ये चीज़ सीधा बीच में काट रही है तो 45 और 45 हो गए। क्लियर इतनी बात है? शाबाश। अब इसके बाद देखो आगे बढ़ेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लेंगे, लेंथ आपको दिख ही रही है। सर लेंथ कितनी लें? ए लोगे ना भाई, 2A के लोगे, ए लोगे, आधी लेंथ लोगे ना। अरे तुम्हें एंगल ही तो देखना है, बाकी सारे तो सेम है। तो BO कितना आ गया, 4 टाइम्स करेंगे इंटू BAD कितना होगा, म्यू नॉट अपन 4π, साथ में फिर कितना I बाई A, साथ में फिर कितना साइन 5 प्लस साइन 5 2, यही होता है। जनरली स्ट्रीट कंडक्टर के लिए ऐसे निकलता है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 देखो कितना है 45 है, 5 2 भी कितना है 45 है, तो 4 इंटू म्यू नॉट बाई 4π I बाई A, साइन 45 होता है 1/√2, और ये वाला साइन 45 भी हो 1/√2। बच्चों 1/√2 प्लस 1/√2 होगा, समझ में आया ना, दोनों से 1/√2 आया, तो 1/√2 प्लस 1/√2 होगा 2/√2। किसी चीज़ को दो बार ऐड करो तो 2 आ जाते हैं ऊपर, और रूट टू काटेगा इसे ऐसे, ठीक है, तो कितना आया 4√2 और म्यू नॉट अपन 4π, एक साथ निकल गया सारा I बाई A, आई तो आई था, ए था। म्यू नॉट अपन 4π की वैल्यू अगर तुम डालोगे तो 4π इंटू 10^-7 डाल देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, या मत डालना, मर्जी है तुम्हारी। 4 से 4 तो कैंसिल ही कर लेना, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल कर लेना, और सीधा आ गया म्यू नॉट बाई π √2i बाई A, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है, म्यू नॉट बाई π √2i बाई A। क्लियर? शाबाश। अरे अभी तो टाइम है, एक मिनट, कोई नहीं, ठीक है। सर ये समझ में नहीं आया, ये A कैसे हुआ? इतना कितना होगा A होगा, इतना भी कितना होगा A होगा, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें ये भी A होगा, मानते हो? नहीं सर नहीं मानते। अरे मान लो A ही होगा वो, ठीक है सर, इक्विलेटरल तो है नहीं, मत मानो। दूसरा क्वेश्चन देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे बंद करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने अभी देखा तो एक और चीज़ देख लो, कोई सर्कुलर कॉइल हो, कोई सर्कुलर कॉइल हो, उसमें कोई करंट कैरी है, सेंटर O, रेडियस R, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है एट द सेंटर? तो आप सब ने पढ़ा है, यहाँ पाई नहीं आता, म्यू नॉट आई अपन 2R होती है। मान लो इसमें बहुत सारे टर्न्स हुए, बहुत सारे टर्न्स हुए, काफ़ी टर्न्स है, तो होगा क्या, एक टर्म और जुड़ जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ NI। आई बात समझ में? N ही तो जोड़ना है, नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ N जोड़ देना है ना, नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ भी आता है, और बहुत बार टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी आता है। N क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इसमें N टर्म्स है, पर बहुत से लोगों को आदत होती है 4π लगाने की, तो 4π लगा लो, तो कैसे होगा, म्यू नॉट अपन 4π, फिर ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, दोबारा 4π, और यहाँ पे कितना NI, और यहाँ पे कितना 2R, ऐसे तो याद है तुम्हें? नहीं, अच्छा तुम यूज़ करना चाहते हो, कर लो, तो 2 2 जा 4 काट लेना, तो कितना आ रहा है, म्यू नॉट अपन 4π 2π NI बाई R, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेना, ठीक है, म्यू नॉट अपन 4π 2π NI बाई R, 4π 4π से मल्टीप्लाई कर ली। चलिए तो इस पे बेसिक क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है, द इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग
ये समझ में आया ना तुम्हें? 4 पाई से मल्टीप्लाई, 4 पाई से डिवाइड कर लिया, 2 2 जो 4 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 2 पाई NI/R, और ये म्यू नॉट अपन 4 पाई अपनी जगह है, क्योंकि म्यू नॉट अपन 4 पाई की तुम डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हो, इसलिए कराए। इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग 6.6 × 10^15 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। वट इज समथिंग पर सेकेंड? एनीथिंग पर सेकेंड इज फ्रिक्वेंसी, रेवोल्यूशन पर सेकेंड इज ऑल्सो फ्रिक्वेंसी। वट इज फ्रिक्वेंसी? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। वो यहाँ कहाँ यूज होगा? देखते रहो, पर सेकेंड इन अ सर्क्यूलर पाथ ऑफ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम। दिस इज स्टैंडर्ड वैल्यू, दिस इज स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशी। हाइड्रोजन लाइक स्पीशी मतलब जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, जैसे लिथियम 2+, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते, 2+ गए तो 2 इलेक्ट्रॉन गए तो एक ही बचा। हीलियम 2+, हीलियम 1+, है ना, ऐसे। तो ये सिंगल होते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम। वट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट सेंटर, ये है, ये आपको निकालना है। पहला ऑर्बिट है 0.53 एंगस्ट्रॉम में, उसका रेडियस और रेवोल्यूशन आपको दे रखें, आपको ये चीज़ें निकालनी है। बस आप ये चीज़ देखो, आप पे किसकी कमी है, आप पे कमी किसकी है? म्यू नॉट अपन 4 पाई सबको पता होता है, रेडियस हमें दे रखा है, आई की कमी है। किसकी कमी है? आई की, यही तो है, बस आई की कमी है। और अगर हाइड्रोजन एटम है तो आपको चार्ज तो पता होगा, हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है या एक प्रोटॉन होता है, तो एक ही चीज़ तो लेंगे यहाँ। करंट इज फ्री इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम, प्रोटॉन नहीं आएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन आते हैं जो मूव कर पाएँ। करंट कब बनता है? जब मूव करते हैं। प्रोटॉन कभी मूव नहीं करते फ्रीली, प्रोटॉन इज ऑलवेज बाउंड टू द न्यूक्लियस। मूव कौन करेंगे? विच आर फ्री, विच आर नॉट बाउंडेड, कौन? इलेक्ट्रॉन। तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेंगे, दो मत ले लेना, ठीक है, एक ही लेंगे। पहले करंट निकाली जाएगी, करंट होगा चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन है अपॉन टाइम पीरियड, पर टाइम पीरियड दे ही नहीं रखा। पर मैंने तुम्हें अभी बताया, एनीथिंग पर सेकंड इज फ्रीक्वेंसी विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो ये देखिए 1/T है, इसे फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, तो ये बन जाएगा E × फ्रीक्वेंसी। अब सीधा यूज़ कर लो, चाहे एक ही साथ निकाल लो। B एट सेंटर है म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 पाई NI/R। तो I को छोड़ के बाकी चीज़ें तो लिखो, तो म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 लिखा, पाई लिखा, n तो यहाँ एक ही है, उसको यूज़ भी नहीं करना, क्योंकि पहला ऑर्बिट ही होगा, तो यूज़ नहीं करेंगे, n की वैल्यू 1 ले लेंगे। और I की जगह कितना लिखें? E new, ये न्यू का सिंबल है मेरा, F भी लिख सकते हो आप, है ना। तो ये आ गया, बस इसमें वैल्यू डालो और आंसर निकालिए। अगर आपको सीधा वैल्यू पता है म्यू नॉट अपन 4 पाई की, तो इट इज़ वेल एंड गुड, अब निकाल सकते हो। नंबर ऑफ टर्म्स तो एक ही ले लेना। तो म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू कितनी हुई? 4 पाई × 10^-7 हुई, ठीक है। और ये तो म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू हुई, साथ में 2 है, साथ में पाई है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 1 ही है, नंबर ऑफ टर्म्स या ऑर्बिट 1 है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको पता होना चाहिए 1.6 × 10^-19 होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बाद फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी इज रेवोल्यूशन पर सेकंड विच इज इक्वल टू 6.6 × 10^15। सो ये हो गया। अब रेडियस है, रेडियस कितना है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। 0.53 लिखो, एंड व्हाट आर दी कन्वर्जन यूनिट्स? एंगस्ट्रॉम को लिखते हैं 10^-10 मीटर। नाउ सॉल्व दैट, पाई की वैल्यू 3.14 डाल देना एंड सॉल्व दैट। इसको सॉल्व करो, अच्छे से मेहनत लगा के सॉल्व करो। कर लिया, शाबाश। आपका आंसर 12.5 टेस्ला आ रहा होगा, चेक करो, 12.5 टेस्ला, या तो टेस्ला लिख लो, या आपको एक और यूनिट पता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, नहीं पता अभी, चलो 12.5 टेस्ला लिख लो। इसका आंसर ये आना चाहिए, 12.5 टेस्ला। क्लियर, शाबाश। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हमने जो डेरिवेशन करी थी वो थी कि कोई अगर हम पे सर्कुलर कॉइल हो,
उसके सेंटर में नहीं, कोई अगर हम पे सर्कुलर कॉइल हो उसके सेंटर में तो नहीं, पर उसके एक्सियल जो हमारी लाइन है उस पर अगर कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस यहाँ से आप एक्स मानते हो और इस सर्किल का रेडियस आप ए मानते हो, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, बी एट एक्सिस। याद है, भूल गए? याद है सर, बी की वैल्यू यहाँ पे आती थी कितनी, एक्सिस में आप पे आती थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर आता था 2 पाई i a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही आता था। बी एट एक्सिस कितना होता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। फिर वही बात, नंबर ऑफ टर्म्स लगा लो। पहले तो एक बेसिक फार्मूला याद रखो, कितना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और n लगा लो, ठीक है। तो ये आपको क्यों बताया, क्योंकि आगे इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये याद रख लेना। आगे देखो क्वेश्चन, देखो क्या है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कॉइल विल द मैग्नेटिक फील्ड बी 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू एट सेंटर। ये आपके क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है किसी सर्कुलर कॉइल से जिसका रेडियस ए है, चलो ये तो हमें पता रहता है। उसके बाद कितने डिस्टेंस दूर एक्सिस ऑफ द कॉइल से, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 1/8 होगी किसकी, उस मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू के जो सेंटर में है। मतलब सिंपल से आपको बात ये बोल रखी कि एक सर्कुलर कॉयल है, ठीक है भाई, करंट उसमें कैरी कर रहा है, ठीक है, उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं। तो आपके कोर्स में दो केसेस हैं, क्या, एक तो सेंटर में और एक एक्सिस में, एक सेंटर में और एक एक्सिस में। आपसे बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसी कॉइल के लिए, इसी करंट वाली, इसी रेडियस वाली जो एक्सिस में है वो 1/8 है किसके, सेंटर वाली वैल्यू के। तो बी एट एक्सिस इज 1/8 ऑफ द बी एट सेंटर, बट एक्सिस का डिस्टेंस ही नहीं दे रखा, मतलब ये एक्स नहीं पता हमें, एक्स निकालना है भाई, ठीक है। मेन उद्देश्य, मेन एम क्या है यहाँ, एक्स निकालना, रिलेशन तो आपको दे दिए। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कोई डायग्राम नहीं, फालतू की चीज़ें मत करे करो, डायग्राम की क्या ज़रूरत है आपको, बस ये समझना था, ये पकड़ लो, कनेक्ट द डॉट्स। ये देख लो मैग्नेटिक फील्ड बी, कौन सी वाली मैग्नेटिक फील्ड, फ्रॉम द एक्सिस वाली, तो बी एट एक्सिस, फिर बी बी ई बी 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू एट द सेंटर, तो बी एट सेंटर, ऐसा कुछ आपको दिया है। बी एट एक्सिस 1/8 है ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। फॉर्मूला छापो वहाँ से, कितना है म्यू नॉट अपन 4 पाई, ठीक है, फिर क्या है 2 पाई, फिर क्या है आई है, फिर क्या है ए स्क्वायर है, फिर क्या है एन है, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना है 3/2 है, शाबाश, यहाँ 1/8 लिखा। और बी एट सेंटर, इसी कॉइल का तो निकाल रहे हो, तो सेंटर का भी पढ़ा तुमने, कितना म्यू नॉट, और बताओ म्यू नॉट आई, ठीक है, अपन 2r, सर यही वाले लिख लो, ये वाला बड़ा वाला मत लिखो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर आप लिखते हो 2 पाई i, फिर लिखते हो नीचे r, और फिर जैसी किस्मत वैसा n लगा लेते हो। 2 पाई से ये कटेगा, 2 ही आएगा, तो मैंने सीधा लिख लिया, ठीक है। ये बी एट सेंटर आप अभी पढ़ के आए थे, कुछ कट रहा है i से, i, ठीक है, और कुछ यहाँ पे देखो 2 पाई से 4 पाई कटेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और कोई बात, देखो यहाँ पे r क्या है, r रेडियस है, और रेडियस यहाँ कितना है a है,
ये तो कन्फ्यूज़ नहीं है ना, रेडियस ए है, आर यहाँ रेडियस ही था और ए बन गया वो, और फिर म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, और कुछ एन से एन कैंसिल, ठीक है। अब मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात ये है कि ऊपर बचा क्या, ए स्क्वायर बचा, शाबाश। यहाँ कितना बचा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना, 3/2 बचा, क्लियर है ना भाई। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हुआ, आई से आई कैंसिल हुआ, एन से एन कैंसिल हुआ, 2π से 4π दो बार कटा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचा ए स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ कितना बचा, 1/8a। इसको यहाँ भेजो, इसको उधर भेजो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इन्हें, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या, 8a इंटू ए स्क्वायर आपका बन जाएगा 8a³, और यहाँ बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना, 3/2। अब अगर तुम्हें परहेज नहीं है तो यहाँ स्क्वायर रूट कर लो। सर कैसे करें, 8 को क्या लिखें, तो भाई 8 दो का क्यूब होता है, 8 होता है 2 का क्यूब, और यह है ए क्यूब, और यह है ए स्क्वायर, और यह है एक्स स्क्वायर, और ये पावर है 3/2। हाँ सर बहुत बढ़िया, 8 को लिख लिया 2 का क्यूब, तो इंडिसेस के रूल से इसका होल क्यूब बना लो इसे, ठीक है। 2a का होल क्यूब खोलोगे 8a³ आएगा, और दोनों साइड क्या कर दिया, क्यूब रूट कर दिया, तो यहीं कर लेते हैं क्यूब रूटिंग बोथ साइड, क्यूब रूटिंग करी बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्यूब रूटिंग कर दी, क्या मिला उससे, ये मिला कि 2a का होल क्यूब का आप लोग कर रहे हो क्यूब रूट, मतलब 1/3 पावर। क्यूब रूट मतलब क्या होता है, 1/3 पावर, स्क्वायर रूट जैसे 1/2 होता है, ऐसे ही यहाँ करो, तो ये है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना, 3/2, और इसकी पावर कितना, 1/3, इतना क्लियर है, 3/2, और उसकी पावर कितना, 1/3, 3/2 तो पहले से था, 1/3 दोनों साइड लगाया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा, बचा आपका ये कि यहाँ बचा 2a, और यहाँ पे बचा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना, क्यूब रूट 1/2। कितना आसान हो गया, आपको क्या निकालना है, आपको a निकालना है, नहीं a दिया है आपको, x निकालना है, तो x को पहले फ्री करो, फ्री कैसे होगा, अब स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, फ्री तभी होगा ना जब स्क्वायरिंग करोगे, दोनों साइड अब स्क्वायर करो, ऐसे ही चलता है भाई, कैलसी से मत करो, 2a का स्क्वायर करो, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का क्या, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 पावर, तो ये फ्री हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, और 2a का होल स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4, और a का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये बराबर आया आप पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। अब इस भाई को इधर भेज दो, तो 4a स्क्वायर में माइनस का a स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 3a स्क्वायर, और यहाँ पे आप पे x स्क्वायर है, रूट कर लो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव ही लेना डिस्टेंस है ना, हाँ यहाँ x इसको कोई चक्कर नहीं है अभी जब तक डायरेक्शन नहीं आई, तो 3 का रूट आएगा √3, और a स्क्वायर का रूट आएगा a, तो x इज इक्वल टू √3a, इतने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, हमें रिस्पेक्ट में a के ही निकालना था, तो आंसर आ गया √3a, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, √3 × a आ गई, क्लियर, शाबाश। आगे बढ़ेंगे, देख लो, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सिलेंडर वाला याद है, सिलेंडर वाले में कैसे निकालते थे, पहले तो हम क्या करते थे, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो लिखते थे आई डैश, नई करंट आ जाएगी आई डैश अपॉन ओरिजिनल आई, फिर पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, एम्पीरियन लूप का जो रेडियस था उसका लिखते थे पाई स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन पाई रेडियस ऑफ सिलेंडर का स्क्वायर, ये लिखा जाता था। फिर उसके बाद एम्पियर सर्किट लॉ लगाया जाता था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, यही लगाया जाता था। और फिर इसके बाद उसमें क्या होता था, म्यू नॉट की जगह हम म्यू आर इंटू वो लिखते थे, है ना, क्योंकि अंदर तो मीडियम चेंज होगा तो म्यू नॉट से काम नहीं चलेगा, म्यू एम से काम चलेगा, म्यू एम तो दिया नहीं रहता, तो म्यू एम की जगह क्या लिखते थे, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, रेफर टू दी प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। तो उसी पे बेस देखो, इसको साथ में डिराइव करेंगे इसलिए फॉर्मूला नहीं लिखा रहा हूँ। क्वेश्चन है अलोंग स्ट्रेट
सॉलिड मेटल रॉड, रॉड इज सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है, अनलेस बीटन, तो अलॉन्ग सिलेंड्रिकल रॉड है स्ट्रेट मेटालिक ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर ही होता है ना रॉड का, आगे से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, उसके बाद फाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सिस ऑफ द वायर, फ्रॉम एक्सिस ऑफ वायर, इंटरनल डिवीजन होगा ये, समझ पाए क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल रॉड है, रेडियस उसका 4 है, इसका रेडियस जो है असली वाला वो 4 है, उसके बाद उन्होंने बोला इसमें करंट है 2 एम्पियर का जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्रॉस सेक्शन में, इसका मतलब जो हम एम्पीरियन लूप मानेंगे वो अंदर मानेंगे, और ये हमारी एक्सिस हो गई, और एक्सिस से हमें कितना डिस्टेंस लेना है 3 सेंटीमीटर, मतलब जो हमारा एम्पीरियन लूप का रेडियस है वो कितना है 3 है, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी 3 हो गई, ये हमसे कहना चाह रहे हैं, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सिस ऑफ द वायर, एक्सिस ये रही वायर की, सिलेंड्रिकल वायर की, इससे 3 सेंटीमीटर में ही हम अपना एम्पीरियन लूप बनाएंगे और वही आर हो जाएगा छोटा वाला, तो निकाल सकते हैं इसे अगर आपको फार्मूला डायरेक्ट याद हो, क्या था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर आर स्क्वायर, याद है मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ डायरेक्ट क्या आता था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्मॉल आर और कैपिटल आर का स्क्वायर, ये आता था, और आ गया तो ये डाल दो सीधा, सर कैसे आया, तो भूले तो नहीं, यहाँ पे इंटरनल डिवीजन ऐसे करते थे भाई, एम्पीरियन लूप का करंट आई डैश, टोटल करंट आई, ठीक है, और फिर इसके बाद आगे लगता था, ये करंट जो होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था क्रॉस सेक्शनल एरिया के, है ना, ड्यू टू सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एम्पीयर सर्किट का लॉ है, यहाँ सिमेट्रिकल करंट ही चलेगा, अनसिमेट्रिकल नहीं, बाय सेवर्ट लॉ के जैसे, तो पाई आई डैश के साथ एम्पीरियन लूप के साथ है स्मॉल आर का स्क्वायर और ओरिजिनल है कैपिटल आर का स्क्वायर, ये हमारा चलता था, यहाँ से आपका आई डैश निकल जाएगा, आई डैश की वैल्यू कितनी आएगी, आई इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जो कि आपको ये दिख रहा होगा आई इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो हुआ क्या, सिंपल सी बात है, अगर हम अब एम्पीयर सर्किट का लॉ लगाएंगे तो बी डॉट डी एल जो होगा, बी डॉट डी एल, अगर हम एम्पीयर सर्किट का लॉ लगाएं इंटरनल डिवीजन के लिए तो बी डॉट डी एल होगा म्यू एम, एम आएगा भाई म्यू नॉट नहीं, तो अगर मैं इसे बढ़ाऊँ तो एक काम करते हैं, कर देते हैं कि फॉर दैट म्यू आर हम अपने मन से कुछ भी मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, बढ़ाना है ना यार, समझ में आना चाहिए तुम्हें, तो म्यू आर की वैल्यू 3 आ गई, तो तुम्हें पता ही है म्यू आर क्या होता है, म्यू एम बाई म्यू नॉट होता है, जैसे आपका एप्सिलॉन आर जो होता है वो एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट होता है वैसे ही, तो म्यू एम आएगा इंटू टोटल करंट आएगी, और टोटल करंट अंदर कितनी फ्लो कर रही है आई डैश, इतनी बातें क्लियर, ठीक है, उसके बाद देखो बी यूनिफॉर्म होता है और एंगल आपका 0 ही होता है, बी भी ऐसे ही जाता है और डी एल भी आपका यहीं काटते हो पी पॉइंट पे, तो बी भी ऊपर है डी एल भी ऊपर है, तो ये हटता है, बी डॉट डी एल हटेगा इंटीग्रेशन, और इसकी जगह आएगा बी डी एल, क्योंकि बी और डी एल के बीच में पैरेलल रिलेशन है तो कॉस 0 आता है, ठीक है, और अगर ये कॉस 0 आ गया, कॉस 0 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, देन उसके बाद बी यूनिफॉर्म बाहर आएगा और आप पे बचता है डी एल, और डी एल आपको पता है डी एल यहाँ से काटो फिर 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 यहाँ से काटो ऐसे काटो, तो आपसे पूरी सरकमफेरेंस आएगी, तो पूरी सरकमफेरेंस आई, और पूरी सरकमफेरेंस आपकी कितनी होती है 2 पाई आर होती है, क्लियर, अब देखो यहीं से ये आएगा कैसे, म्यू एम की जगह तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे म्यू एम होता ना, तो म्यू एम रहने दो,
आई डैश की जगह कितना आता था, ये सारी डेरिवेशन है। आई डैश की जगह ये रहा आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, शाबाश। और हमें बी चाहिए तो इस 2πr को भेजना पड़ेगा नीचे। तो क्या ये और ये सेम नहीं है, म्यू एम आई आर स्क्वायर 2πr आर स्क्वायर, देखो है तो ठीक है। तो डायरेक्ट लगा सकते थे, पर डेरिवेशन में क्या जाता है तुम लोगों का, डेरिवेशन से भी कर लेना है ना। ऐसे नहीं कि सर हम फार्मूला लिखेंगे, नहीं डेरिवेशन करो साथ में। ये आ गया, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई, देखो b इज इक्वल टू म्यू एम की जगह कितना, म्यू आर इंटू म्यू नोट, म्यू आर इंटू म्यू नोट, साथ में यहाँ पे i, साथ में यहाँ पे r स्क्वायर, साथ में यहाँ पे 2π, साथ में यहाँ पे r और यहाँ पे कैपिटल R और यहाँ पे स्क्वायर। r से ये कटेगा तो सिर्फ ऊपर r बचेगा, एक r, समझ में आया ना। नीचे r है, ऊपर r स्क्वायर है, तो कट गया तो ऊपर एक r बचा। बस वैल्यू डालो, म्यू आर की वैल्यू कितनी है, 3 है। म्यू नोट की वैल्यू पता है, नहीं सर नहीं पता। तो मॉडिफाई करो इसे, यहाँ 4 कर दो और यहाँ 2 कर दो, बात तो वही है ना, 2π आएगा, 2 2 जा 4। क्यों कर रहा हूँ ऐसे, क्योंकि ये देखो म्यू नोट अपन 4π की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है, 10 की पावर -7। अभी तक क्या करा, म्यू आर की वैल्यू 3 डाली, म्यू नोट अपन 4π की वैल्यू कितनी है, 10^-7। इसके बाद करंट की वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल वाली 2 एम्पियर। सर आई डैश कहाँ गया, आई डैश ही तो बना बच्चे, ये आई स्मॉल आर का स्क्वायर अपन कैपिटल आर का स्क्वायर, तो आई की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 लिख दी। इसके बाद स्मॉल आर तुम्हें पता ही है मैंने कितना माना था, 3 माना था, और कैपिटल आर कितना था पूरा, कितना 4। तो स्मॉल आर कितना है, आई समझ में आता, म्यू आर की वैल्यू 3 है, म्यू नॉट अपन 4π की वैल्यू 10^-7 है। ये 2 कहाँ से आया, ये वाला नहीं, करंट वाला, करंट का 2, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 3 है, और ये 2 फिर लिखा जाएगा, और नीचे कैपिटल आर का स्क्वायर, तो कैपिटल आर 4 था भाई, 4 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करो इसे, सॉल्व ही तो करना है अब, और क्या करना है, सॉल्व करो इसे, बी की वैल्यू निकालो। तो देखो ये हुआ 3, अच्छा कर लो, 3 2 जै 6, 6 3 जै 18, 18 2 जै 36, और 4 का स्क्वायर 16, और ये आया 10^-7। ये किससे जाएगा, 4 4 जै 16, 4 9 जै 36, 4/9, 4 2 जै 8, 2.25 इंटू 10^-7 टेस्ला, यही आ रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, चेक करो, 2.25 इंटू 10^-5 टेस्ला, ठीक है, इतना ही आएगा, देख लो एक बार, मैं कुछ भी बढ़ा दूंगा भाई, देख लिया करो, चेक कर लिया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सप्रेशन, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, या डिड्यूस कर लेते हैं, फाइंड तो नहीं, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल फॉर एक्स इज इक्वल टू ए एंड राइट या ड्रॉ ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे इसका लगा के लिख लेना नोट्स में, जरूरी है, स्पेशल केसेस ही हैं आपको। आपसे बोला कि आपको क्या करना है, जब x इज इक्वल टू ए है तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला आएगा, कहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल जो होता था ना फार्मूला, उसमें एक्स की जगह ए पुट कर दो तो बताओ कितना आएगा, और फिर उसके बाद ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो आपको पता है ना मैं बार बार क्यों करा रहा हूँ, याद हो जाए, बी एट एक्सिस कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4π, फिर 2π, फिर आई, फिर ए स्क्वायर, फिर कौन एन, और नीचे कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना, 3/2, यही होता था ना, म्यू नॉट अपॉन 4π, 2π आई ए स्क्वायर एन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एन भूल जाओ, और यहाँ पुट कर लो, क्या एक्स इज इक्वल टू ए, तो देखो नहीं क्या आ गई, तो बी आपका कितना है यहाँ से, मतलब बी एक्सिस म्यू नॉट अपॉन 4π, एक्स इज इक्वल टू ए करोगे तो एक्स को ए लिखोगे या ए को एक्स लिखोगे, इनके पीछे मतलब ये होगा कि हम कॉन्स्टेंट वैल्यू निकाल लें, एक्स तो वेरिएबल है ना, एक्स चेंज होता रहेगा, पर ए फिक्स हो जाएगा,
ये तो फिक्स है ना, ये रेडियस है, तो आप निकालो इन टर्म्स ऑफ ए, x के टर्म में मत निकालना भाई, क्यों वेरिएबल बना रहे हो, a के टर्म्स में निकालो, ठीक है। a के टर्म्स में निकालेंगे तो 2 पाई आई ए स्क्वायर, ए तो फिक्स है ना बच्चे, उसके टर्म में निकालो, उससे एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी और ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू। सर मैक्सिमम क्यों कह रहे हो, x तो a से भी बड़ा हो सकता है, ठीक है, तो 2 पाई आई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ऐसे रहा, एक्स की जगह ए आ गया और यहाँ पावर कितनी 3/2, यही है। आगे बढ़ाएंगे तो म्यू नोट लिख लेते हैं, 2 पाई से ये काटो, धड़ाधड़ कितना आया 2 आया, तो म्यू नोट आई ए स्क्वायर नीचे आया 2, शाबाश। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होगा बच्चे, 2 ए स्क्वायर होगा और पावर कितनी 3/2, 3/2 है ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर और पावर कितनी 3/2 हो गई। चलो ये समझते हो, इंडिसेस 2 ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो तो इसे अलग कर सकते हैं, 2 की पावर 3/2 और ए स्क्वायर की पावर भी कितना 3/2, इतना आता है ना तुम लोगों को, 2 ए स्क्वायर की पावर 3/2 तो इसे अलग अलग करो, 2 की पावर 3/2 और ए स्क्वायर की पावर भी 3/2, इससे ये कैंसिल होगा भाई, कितना आया 2 की पावर 3/2 इंटू ए क्यूब, वही लिखो तो आप पे कितना आया फाइनली, बी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन कितना ये 2, शाबाश। 2 ए स्क्वायर 3/2 कितना बन गया, 2 ए स्क्वायर 3/2 बन गया, 2 की पावर 3/2 इंटू ए का क्यूब, ये बनेगा आपका है ना, 2 की पावर 3/2 इंटू ए का क्यूब, काट दो, काट दिया तो फाइनली बी बताओ कितना आएगा, ऊपर आएगा म्यू नॉट आई, शाबाश। नीचे देखो कितना आएगा, 3/2 और 1 है ये, 3/2 प्लस 1 कितना होगा 5/2 होगा, एलसीएम आता है ना, 3/2 प्लस 1 कितना 5/2 और नीचे बचा ए। यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चली कि बी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, तो आपका हाइपरबोलिक आएगा, जो भी रिलेशन आएगी वो कैसे आएगी, हाइपरबोलिक आएगी। अगर आपको ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना भी हो, ये जब हो जाए, ठीक है, सामने तो नहीं आ रहा हूँ, नहीं बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया था हमने, तो यहाँ बनेगा कैसे, सिंपल सी बात है, ये जाते हुए भी आते हुए भी ऐसे, ठीक है, एक्स यहाँ पर डिस्टेंस, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, क्लोज टू ए, ठीक है, बोल रहा हूँ ऑफिशियली क्लोज टू ए, चलो बहुत बढ़िया।